तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं वही पुरानी और सबसे असरदार चूतिया काटने की निंजा टेक्निक के बारे में, जो कि है धर्म और भगवान के नाम पे चूतिया काटने की निंजा टेक्निक। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही भगवान स्वरूप इंसान से और देखते हैं उनके कांडी कारनामे। पुष्पा दिवाळकर, पुष्पा पुष्पा दिवाळकर, दिवाळकर पुष्पा दिवाळकर त्यांचं नाव आहे। आज 9 वर्ष झाली, आज माझ्या 3 मणी सरल्या आणि आता 1 वर्ष झाली माझ्या 2 किडन्या गेल्या। देव बोलला, आता डॉक्टर बोलले की आता वाचू शकणार नाही, आता गोळ्यावर फक्त राहणार, तर मी गोळ्या सुद्धा बंद केला। तो इस औरत का नाम है पुष्पा और 1 साल से इसकी 2 किडन्या फेल है और खुद से वो चल फिर भी नहीं सकती अब। लेकिन अभी आप जो देखने वाले हैं उसको देखने के बाद आपके भी टट्टे मुंह में आ सकते हैं। तो चलिए टट्टों को संभालते हुए शुरू करते हैं इलाज, जिसको कहते हैं फेथ हीलिंग, मतलब भरोसे से गांड मारना। क्योंकि ऐसे पाखंडी जो भरोसे वाले बनने का नाटक करते हैं, उनको भरोसे वाले से भोसड़ी वाले बन के गांड मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आधाराशिवाय तुम्ही चालू शकत नाही, एकट्या चालू शकत नाही, बरोबर? तयार आहात तुम्ही? रेडी आहात? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यू आर रेडी? अबे रॉक कॉन्सर्ट शुरू करने वाला है क्या जो इतना रेडी रेडी कर रहा है? अबे जल्दी कर, इतने में तो एनटीवी वाले जोड़ीस का 2 सीजन खत्म कर लेते हैं। ओ ओ शिकार आ रा 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 तुम हाथ बोलो शिकार आ रा 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 रा। इसको सुनते ही पता नहीं पीछे के लोग क्यों बेहोश होकर गिरने लगे हैं। अरे बोतली वालों, ऐसे गिरते पड़ते कौन सी इलाज कर रहे हो? अब ये सर्कस दिखाने का कौन सा नया तरीका स्टार्ट किया है? तो यहाँ पे हाथ से ही ट्रीटमेंट से पहले एनेस्थेसिया दिया गया, लेकिन लगता है एनेस्थेसिया थोड़ा ज्यादा हो गया, जो औरत के दिमाग से होते हुए नर्स तक पहुंच गया और दोनों बेहोशों के नीचे। काफी खतरनाक टेक्निक लगती है हमें ये, तो कृपया घर पे इसे ट्राई ना करें। ये पीछे वाला चूतिया तो अपनी ही दुनिया में मस्त है, पता नहीं कौन से नशे करके आया है जो हाथ फैला के चिड़िया बनने की नाकाम कोशिश किया जा रहा है। यही होता है जब बीड़ी में चिड़िया की सूखी टट्टी डाल के फूंकते हैं। इस चूतिये के 50 रुपए काटो इस ओवर एक्टिंग के लिए। येशूच्या पवित्र नावात, येशूच्या पवित्र नावात तुमच्या दोन्ही किडनीत बरे होत, दोन्ही किडनीत बरे होत। हो 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 हो, या क्षणाला, या क्षणाला, या क्षणाला, या क्षणाला, या क्षणाला। हो 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 हो, सकारा रा 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 रा। हो 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 हो, तुमच्या दोन्ही किडनीत बरे होत। हालेलुया, हालेलुया। दोन सिस्टर्स या, उचला दिला। पुष्पाताई उभ्या राहा, पुष्पाताई उभ्या राहा येशूच्या नावाने। येशूच्या पवित्र नावात तुमच्या दोन्ही किडनीज बऱ्या झालेल्या आहेत। हो हो, सतारा रा रा, तुमच्या दोन्ही। बस ऐसे ही तो लोग ठीक होते हैं, बाकी जो लोग डॉक्टर बन चुके हैं बस फोकट में टाइम पास कर रहे हैं। असली इलाज तो यहाँ चल रहा है। बस किडनी पकड़ के ठीक हो जा बोल दो, किडनी ठीक हो जाएगी, क्योंकि किडनी के गांड में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। अरे नाचो बेंचोत, तारा रा 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 रा। तो पुष्पा जो थोड़ी देर पहले चल भी नहीं पा रही थी, अब वो दौड़ने लगी। अब जल्दी ही उसको मैराथन में भी दौड़ाया जाएगा
और पीछे के ये नमूने तो ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे इस एक्टिंग के बाद इनको ऑस्कर के लिए बुलाया जाएगा। और पब्लिक तो ऐसे उछल रही है जैसे इस चुतिया पे के बाद सबको प्रसाद मिलने वाला है। अब ऐसी बकचोदी देखने के बाद मुझे भी थोड़ा मन कर रहा है बाबा बन के थोड़ी मैं भी बकचोदी पहन लूं। नमस्कार, सुप्रभात, हालेलुया। तो भाइयों, अगर आप चूतिए हैं तो आपकी हम भरोसे से गांड मारेंगे। अगर आप बीमार हैं तो सारा रारा रारा बोल के आप अपनी बीमारी को भी बीमार कर सकते हैं। अगर आपकी किडनी खराब है तो डरने की कोई बात नहीं, बस ऊपर देख के हाथ हिलाएं और भगवान से रिप्लेसमेंट ले लें। आप बेवड़े होने से बिल्कुल ना डरें और दूसरे बेवड़ों को भी ना डरने दें, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसे पाखंडियों से दूर रहें। अब मैं जितना भी बोल दूं, लेकिन भक्तों की कमी कभी नहीं होने वाली ऐसे लोगों के पास। अब मेरी बाबाओं पे जो पुरानी वाली वीडियो थी उस पे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन कुछ भक्त को बहुत तकलीफ हो गई उस वीडियो से। अब ऐसे लोगों से मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, गांड मराओ। बाकी आपके पास भी दिमाग है, खुद सोच लो, अगर खुद की मरवाने में अच्छा लगता है तो खुशी से अपने शौक पूरे करो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।